लास्ट हमने किया था कोलिजन में फॉर्मूला ड्राइव किया था, एंड फॉर्मूला था कि अगर दो बॉडीज इलास्टिकली कोलाइड करती हैं कोलिजन के बाद जो उनके वेलोसिटी होगी दैट कम्स आउट टू बी v1 इज इक्वल्स टू And similarly, V2 is so ये डेरिवेशन कल हमने की थी. और एक केस किया था, इफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड, इफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड तो कंक्लूजन क्या ड्राइव की थी? कंक्लूजन वाज their velocities interchange. Velocities interchange. Velocities gets interchange क्योंकि velocity interchange हो जाएगी. Second case हम करते हैं कि उसी को ही सब केस कह सकते हो कि इनमें से अगर second body पहले दुखी होती, one of the body is initially at rest. सब केस है ये उसी का ही जो हमने कल केस किया था. If second body is initially at rest, मतलब before collision, that is, अगर U2 zero है, U2 zero है and M1 is equals to M2, तो V1 किसके इक्वल आ जाएगा? U2. V2 is equals to U1. मतलब अगर कोलिजन से पहले सेकेंड बॉडी रुकी हुई है, कोलिजन के बाद फर्स्ट रुक जाएगी. कि हुआ इसमें भी ये है कि वेलोसिटी इंटरचेंज होगी. हम ले रहे हैं कि अगर सेकेंड बॉडी को एक मूविंग बॉडी जाके एक रेस्ट पे बॉडी है उसको हिट करेगी, तो जो रेस्ट पे है वो चल पड़ेगी और जो चल रही थी वो रुक जाएगी. सो वेलोसिटीज गेट्स इंटरचेंज्ड. देन अनदर केस इज If one of the body is very large as compared to other, if one of the body has very large mass, as compared to other, मान लेते हैं हम से M2 is very much greater than M1. प्रैक्टिकली सोच के देखो कि अगर ट्रक की और साइकिल की टक्कर होती है तो ट्रक की वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा? नहीं. नो. तो जो हैवी बॉडी है उसकी वेलोसिटी तो ऑलमोस्ट उतनी रहेगी, और जो कम मास वाली वेलोसिटी है उसी में चेंज आएगा जो भी आएगा. तो अगर मैं ले रहा हूँ M2 इज वेरी मच ग्रेटर देन M1, तो V1 कितना हो जाएगा और V2 कितना हो जाएगा? इसको करने का मेथड होता है कि अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है. अगर मैं ले रहा हूँ कि M2 इज वेरी मच ग्रेटर देन M1, तो अगर मैं इस इक्वेशन में M1 को निग्लेक्ट कर दूं तो आंसर क्या बनेगा? इस इक्वेशन में अगर मैं M1 को निग्लेक्ट कर दूं तो V1 कितना हो जाएगा? निग्लेक्ट करने का मतलब है पूरी इक्वेशन में M1 जीरो पुट कर दो तो V1 कितना होगा? अगर मैं (2U2-U1) और V2 कितना हो जाएगा अगर M1 को जीरो पुट कर दिया तो? M1 को जीरो पुट U2 plus 2U1. जब U2 बचा तो हमारे पास आंसर आया कि अगर M2 बहुत बड़ा है तो इसकी वेलोसिटी तो चेंज नहीं की. सेकेंड बॉडी की जो पहले वेलोसिटी थी कोलिजन के बाद भी उतनी रहेगी, और जो फर्स्ट बॉडी है इसकी वेलोसिटी को अगर मैं देखूंगा इट विल बी 2U2-U1. और ये अप्रोक्सीमेट है, मतलब अप्रोक्सीमेट ऑलमोस्ट इतनी वैल्यू होगी, एग्जैक्ट इतनी नहीं होगी. समझ में आए? सो ये तो जनरल केस हो गया. अदरवाइज ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इस पे बहुत न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं.
सेकेंड हमने किया था कल एक कंसेप्ट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन किया था, इट्स अ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन. अ फार्मूला लिखा था v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. अब इस पे किस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं और इसको प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है. कल मैंने जो आपको एक केस थोड़ा सा बताया था, दैट वाज बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, वो वर्टिकली नीचे गई और वर्टिकली आगे गई. अगर मैं आपसे बोलूं से मैंने किसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल की तरह थ्रो किया, मेरे पास एक बॉडी थी, मैंने इसको थ्रो किया विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा. अगर सिर्फ मैं इतना पूछता कि रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, रेंज कितनी होगी, अभी तो वर्क पर एनर्जी का कोई कंसेप्ट नहीं है ना, प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल में रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज कितनी होगी इस केस में, 2u square sin theta cos theta by g. So u square sin 2 theta by g या 2u square sin theta cos theta by g. अगर जब इसने कोलाइड किया तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, जो इलास्टिक कोलिजन नहीं है, इनइलास्टिक है विद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e. तो सेकेंड टाइम भी इतनी दूर ही जाएगी या थोड़ा कम जाएगी या थोड़ा ज्यादा जाएगी, सेकेंड टाइम कम जाएगी. तो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया कि सेकेंड टाइम मैं आपसे पूछूं R2 कितना होगा, R2 बिकॉज प्रैक्टिकली आप देखोगे अगर आप किसी बॉल को थ्रो करोगे तो वो ऐसे ही जाती है, बिकॉज इसके बाद मैं इसको ऐसे बना दूंगा, ऐसे ऐसे एंड अल्टीमेटली ये रुक जाएगी. तो R2 कितना होगा, R2 कल जो हमने केस किया था उसमें मैंने क्या कहा था, आप आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी में क्या चेंज आता, कोलिजन से पहले अगर वेलोसिटी √2gh थी, कोलिजन के बाद कितनी थी, √2gh - e√2gh. मतलब कल वाला लेक्चर रिवाइज नहीं किया, हम ऐसे ही उठ के आए हैं आज क्लास में, हम पढ़ते नहीं हैं रोज घर में. मैंने क्या बोला था, इसमें सेकेंड बॉडी अर्थ है, अर्थ की वेलोसिटी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जीरो. तो अगर मैं v2 और u2 को जीरो पुट कर दूं तो v1 कितना आ रहा था, e times. अब यहां पे फॉर्मूला के अलावा हमें फिजिक्स थोड़ी सी समझनी पड़ती है. मैं अगर आपसे बोलूं एक बॉल आके कोलाइड करती है एज ए अर्थ पे, अर्थ इस बॉल पे जो फोर्स लगाएगी वो किस डायरेक्शन में लगाएगी, अर्थ ने जो फोर्स लगानी है उसका नाम क्या है, नॉर्मल रिएक्शन. अर्थ तो यही फोर्स लगा सकती है ना, इसके अलावा अर्थ तो कोई फोर्स लगा नहीं सकती, फ्रिक्शन हम लेते नहीं ऐसे केसेस में, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है. ये लग रही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस कोई फोर्स लग रही है अगर फ्रिक्शन नहीं है तो, पैरेलल टू द सरफेस
कोई फोर्स लग रही है अगर फ्रिक्शन नहीं है तो, या नहीं लग रही इस बॉल पे? नो, नहीं लग रही. गुड इनफ. अच्छा, जब इसने स्ट्राइक किया तो इसकी वेलोसिटी ऐसे थी, वर्टिकल डायरेक्शन में यूसाइन थीटा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू कॉस थीटा. आप कह रहे हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही कोलिजन के टाइम पे, अर्थ फोर्स लगा रही है वर्टिकल, और ये बिल्कुल सही कंसेप्ट है जब तक फ्रिक्शन नहीं मैं लेता. अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं सकती, ये तो अनचेंज्ड रहेगी. अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को चेंज करना था तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगनी चाहिए थी. क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, ये वेलोसिटी नहीं बदलेगी. वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है एन, तो ये वेलोसिटी ई टाइम्स कम हो जाएगी. मतलब ये कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगी दैट इज माइनस ई इंटू यू साइन थीटा. समझ में आई ये बात? हम हमेशा जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट. मतलब अर्थ के सेंटर से इस बॉडी के सेंटर को ज्वाइन कर दो. लाइन ऑफ इंपैक्ट का प्रैक्टिकली मतलब क्या होता है कि मान लो मेरे पास ये अर्थ है और एक इस बॉडी ने आके अर्थ को कोलाइड किया, एक छोटी सी बॉडी ने. इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दो. ई का फॉर्मूला इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट. तो कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी ई टाइम्स कम होगी वो सिर्फ ये वाली होगी जो वर्टिकल वेलोसिटी है. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ओब्लिक कोलिजन में, इसको हम बोलते हैं ओब्लिक कोलिजन. किसी एंगल पे आगे बॉडी हिट कर रही है, ओब्लिक कोलिजन में अर्थ के साथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलती, वर्टिकल वेलोसिटी ई टाइम्स कम हो जाती है. अब इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आपसे पूछूं, इधर रेंज आपने मेरे को बताई थी u square sin 2 theta by g, टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u sin theta by g, ये मैं प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूला ही लिख रहा हूं, और मैक्सिमम हाइट थी मेरे को बताओ रेंज में क्या चेंज आएगा जब वर्टिकल वेलोसिटी e टाइम्स चेंज हो गई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रही. अगर आपको याद है मैंने आपको ये सारे फॉर्मूला ना इस फॉर्म में भी लिखाए थे कि रेंज इज 2 ux uy by g, मैक्सिमम हाइट को क्या लिखा था? ना ऐसे लिखे थे. अब ux तो चेंज हो नहीं रहा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो नहीं बदल रही, वर्टिकल वेलोसिटी e टाइम्स कम हो रही है, रेंज में क्या चेंज आएगा? आर टू अगर मैं पूछूं तो क्या हो जाएगा? टाइम्स कम हो जाएगा. मैक्सिमम हाइट में क्या चेंज आएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या चेंज आएगा? याद रह जाएगा ये कंसेप्ट के नहीं रहेगा? अगर नहीं रहेगा तो मैं लिखा देता हूं, अगर रह जाएगा तो मैं आगे चलता हूं. लिखना है इसको, स्कूल में नहीं आएगा बेफिक्र हो. ऑब्लिक कोलिजन स्कूल में नहीं आती, जब किसी एंगल पे आके हिट करेगी वो स्कूल का पार्ट नहीं है. लिख लो इसको, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लो. इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन with velocity u making an angle theta with horizontal
making an angle theta with horizontal. Making an angle theta with horizontal. Then find the range, time of flight, and maximum height. Range, time of flight, and maximum height after one collision with Earth. After one collision with Earth. You can write the concept first. If a body is thrown with velocity u, at an angle theta with horizontal, then range, time of flight, and maximum height are given by you can write these three formulas. Range, time of flight, and maximum height are given by ye teeno formula likh lo. इसके बाद लिखो. When the body collides with Earth, Earth exerts force on the body. Perpendicular to its surface or in vertical direction. Earth exerts force on the body perpendicular to its surface or in vertical direction. Therefore, as no force is acting in horizontal direction, the horizontal velocity before and after collision is same. Applying the formula of coefficient of restitution along vertical direction. ये वर्टिकल डायरेक्शन में है.
साइन से आप डायरेक्शन सिग्निफाई कर रहा है तो उसको छोड़ दो, ई टाइम से लिखेंगे। अब आपको इससे एक चीज क्लियर होनी चाहिए कोलिजन्स पढ़ने के बाद, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में गोल्ड न्यूक्लियस क्यों यूज हुआ था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने गोल्ड ही क्यों यूज किया था? गोल्ड से हैवी भी एलिमेंट है, गोल्ड हैवीएस्ट एलिमेंट तो नहीं है। Why gold was used? Precise reason. कि उसने gold ही क्यों use किया? Sir, वो बहुत thin, मतलब thin malleable है, ना? It's malleable. It's malleable. It's heavy. और तीसरी property. It's non-radioactive. It's non-radioactive. Because इसके बाद सिर्फ एक lead ही बचता है. Lead के ऊपर सारे elements radioactive हैं. लेड यूज नहीं हो सकता था बिकॉज मैलेबल नहीं है। उसने गोल्ड यूज किया, गोल्ड यूज करने का बेनिफिट क्या हुआ? अगर एक का मास दूसरे से बहुत ज्यादा होगा तो जिसका मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी जीरो चेंज नहीं करेगी। तो गोल्ड न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल की कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद हम रेस्ट पे मान सकते हैं। तो उसने लिया जो भी चेंज आएगा वेलोसिटी में वो सिर्फ अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी में आएगा और गोल्ड न्यूक्लियस वैसे ही रहेगा, पहले रेस्ट था बाद में भी रेस्ट भी रहेगा बिकॉज अल्फा पार्टिकल का मास कितने mu होता है? 4 और गोल्ड का 197 mu। तो जब 4 mu 197 mu से कोलाइड करता है तो 197 mu को आप मान सकते हो, होता नहीं है एक्चुअल में कि वो रेस्ट पे रहेगा। बिकॉज कई बार आपको आएगा इस तरह के न्यूमेरिकल्स कोलिजन्स, मतलब इट्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। जैसे मैं आपसे बोलूं मेरे पास अगर मैं सेम मास लेता लाइक इफ आई टेक गैस ये बॉडी है जो इनिशियली रेस्ट पे है, इसके वेलोसिटी यू है, ये भी अल्फा पार्टिकल, ये भी अल्फा पार्टिकल, मैं आपसे पूछूं जब इनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू इज मिनिमम, जब इनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम हो गया बिकॉज ये इसके पास जा रहा है, तो जब पास जा रहा है तो मिनिमम कितना, तो वो जब मिनिमम डिस्टेंस है तब वेलोसिटी बतानी है। कैसे निकालेंगे, कुछ आइडिया दे सकते हो? मास सेम है तो वो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, वो वाला कांसेप्ट लगा। अरे वाह, वो मैंने डायरेक्ट कोलिजन नहीं की थी, ये डायरेक्ट कोलिजन है। अरे फिजिक्स के कांसेप्ट जहां मर्जी से नहीं लगते, दिमाग भी लगता है। वहां पे एक बॉडी दूसरे को जाके हिट कर रही थी, एक अल्फा पार्टिकल दूसरे अल्फा पार्टिकल को हिट कर सकता है, दोनों पे सेम चार्ज है, उनमें रिपल्शन नहीं होगी? फिजिक्स भी तो लगाओ, रटना नहीं है किसी चीज को, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव है, तो जब ये आगे जाएगा, जैसे आप एक मैग्नेट के पास दूसरी मैग्नेट लेके जाते हो तो वो मैग्नेट खड़ी रहती है अपनी जगह पे,
वो आगे चल पड़ती है, तो ऐसी पॉजिटिव चार्ज जब इसकी तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं रहेगा, ये कोलिजन से पहले ही आगे चलना शुरू हो जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब इनके बीच में डिस्टेंस सबसे कम है, क्या कंसेप्ट लगाऊं? अच्छा चलो ये बताओ, जब ये अल्फा पार्टिकल से फर्स्ट वाला सेकेंड के पास जा रहा है, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? राइट साइड लेफ्ट साइड? दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। राइट साइड इस पे फोर्स लग रही है इधर, इस पे फोर्स सेकेंड पार्टिकल के कारण, फर्स्ट पे फोर्स सेकेंड के कारण, लेफ्ट साइड गुड है ना। ये दोनों फोर्सेस सेम होगा मैग्नीट्यूड या डिफरेंट होगा? सेम होगा। ये इधर जा रहा था, फोर्स इधर लग रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कम होगी? कम होगी। ये वेस्ट पे था, इस पे इधर फोर्स लग रही है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। एक स्टेज आएगी जब इनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा, जब इसकी वेलोसिटी भी अब थोड़ा दिमाग लगाना, इस पे फोर्स हमेशा लग रही है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी हमेशा बढ़नी है, इस पे फोर्स हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट लग रही है, तो फर्स्ट वाले की वेलोसिटी हमेशा कम होनी है। अब ऐसे सोचो, पहले ये चल रहा था, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, ये रेस्ट पे था, थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी 9 हो गई, इसकी 1। जब इसकी 9 इसकी 1 होगी, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। कम हो रहा है। ये 9 मीटर ट्रैवल कर रहा है, इससे 1 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्टेंस कम नहीं होगा। जब तक इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तब तक इनके बीच में डिस्टेंस कम होता रहेगा। फिर एक स्टेज आएगी जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, जैसे ये भी 5 ये भी 5, उसके बाद इसकी 6 हो गई, इसकी 4 होगी, अब डिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस तब होता है जब इन दोनों की वेलोसिटी सेम है। जब तक पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है तब तक डिस्टेंस कम होता है, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो इनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा, इसके बाद बढ़ेगा। मतलब प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि पहले एक दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, फिर एक दूसरे से दूर जाएंगे। इतना समझ आया? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब ये मिनिमम डिस्टेंस पे हैं तो ये वेलोसिटी है कितनी? जब इनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम हो गया तो वेलोसिटी कितनी है, ये मैं कैसे निकालूं? मैंने फ्रिक्शन ली है या नहीं ली? फ्रिक्शन नहीं, नहीं ली। कोई और एक्सटर्नल फोर्स लग रही है? एक्सटर्नल, ये जो एफ ई मैंने लिखा है, ये कौन सी फोर्स है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक ये इंटरनल है जो एक ने दूसरे पे लगाई है, ये बाहर से नहीं लगाई मैंने, इट्स एन इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स लग रही है ग्रेविटी और नॉर्मल रिएक्शन, वो किस डायरेक्शन में लग रहे हैं? वर्टिकल। ग्रेविटी और नॉर्मल रिएक्शन दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही। अब अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था? मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शुड रिमेन सेम। इनिशियल मोमेंटम कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों बॉडीज का मिला के? mu. फाइनल मोमेंटम कितना है इनका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? फाइनल मोमेंटम इसका mv, इसका भी mv, तो टोटल फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? 2mv. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, न्यूमेरिकल खत्म। इतनी सी तो होती है फिजिक्स, समझ लो। तो mu is equals to 2mv, मतलब v is equals to u by 2. जब फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी हाफ हो जाएगी तब ये सेम, इनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। अब मैंने ये सिंप्लीफाइड केस लिया, अब मेरे को बताओ क्या चेंज करना पड़ता है अगर इसका मास m, इसका 4m है, तब भी ऐसे ही होता है? जब कॉमन वेलोसिटी एक्वायर कर लेंगे तब डिस्टेंस मिनिमम होगा, अगर दोनों बॉडीज का मास डिफरेंट होता। मैंने जब ये सारा कंसेप्ट बताया मैंने मास को कहीं यूज नहीं किया था, बट अगर इनका मास डिफरेंट होता ये m, ये 4m, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाता? 5mv. तो यहाँ पे मैं 5mv लिख देता, पर डिस्टेंस जब मिनिमम होगा ऐसी कोलिजंस में तो दोनों बॉडीज की वेलोसिटी सेम ही होती है, उसके बाद डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता। समझ में आए? क्लियर है कंसेप्ट? देखो समझ में आ रहा है कैसे करना है? यू कैन राइट एन न्यूमेरिकल, इसको लिख लेते हैं एक बार। एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m moving with velocity u approaches another alpha particle which is initially at rest on a frictionless horizontal surface, find. The velocity of both the particles. Find the velocity of both the particles when distance between them is minimum. Excuse me, sir. Anji. सर जो आपने सेकंड केस लिया जिसमें आपने एक का मास 4m लिया, उस पर आपने बोला कि हमने पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं भी मास यूज नहीं किया, बट हमने फोर्स यूज की, फोर्स तो मास डिपेंडेंट होती है ना, तो उस पे फोर्स ज्यादा नहीं लगेगी? एक मिनट, दोनों पे फोर्स सेम ही लगेगी ना या डिफरेंट लगेगी? मास डिफरेंट है तो सर, मास डिपेंडेंट तो दोनों डिफरेंट है तो फोर्स सेम लगेगी या डिफरेंट, बस इतनी सी बात बताओ। सर डिफरेंट सेम लगेगी, न्यूटन्स थर्ड लॉ।
एक्शन एंड रिएक्शन शुड ऑलवेज बी इक्वल एंड ऑपोजिट. डिफरेंट कैसे लग सकती है, ये तो नाइन्थ से बढ़ा रहे हैं आपको. कभी भी एक बॉडी जो दूसरी पे फोर्स लगा रही है, फर्स्ट ने जो सेकंड पे फोर्स लगाई, सेकंड पे तो फर्स्ट पे उतनी लगाएगा, डिफरेंट कैसे लगा सकता है. यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ था. अब फॉर्मूला से फिजिक्स सीखने की कोशिश करोगे तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगी. फिजिक्स के फॉर्मूला कुछ इंडिकेट कर रहे होते हैं, पर वो क्रक्स में जाना पड़ता है कि फॉर्मूला का बेसिकली मतलब है क्या. मास ज्यादा होने का मतलब है उसकी एक्सेलरेशन कम होगी, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, बस ये मतलब है उसका. उसका मास अगर 4 times ज्यादा है तो उसकी एक्सेलरेशन 4 times कम हो जाएगी. तो जो वेलोसिटी बहुत जल्दी जल्दी बढ़नी थी वो धीरे धीरे बढ़ेगी, और जब कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी तो डिस्टेंस मिनिमम होगा. सो यू कैन राइट एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर, व्हेन मूविंग अल्फा पार्टिकल अप्रोचेस एन अल्फा पार्टिकल एट रेस्ट, व्हेन मूविंग अल्फा पार्टिकल अप्रोचेस एन अल्फा पार्टिकल एट रेस्ट, then the velocity of then velocity of moving particle decreases, then velocity of moving particle decreases, whereas the velocity of particle which is at rest begins to increase. Velocity of particle which is at rest begins to increase. The distance between the two particles decreases till they acquire. Distance between the two particles decreases till they acquire a common velocity v. Till they acquire a common velocity v. The distance between two particles decreases till they acquire a common velocity v. After that, the distance begins to increase. After that, distance begins to increase. As no external force acts in horizontal direction, as no external force acts in horizontal direction, therefore horizontal momentum of the system, therefore horizontal momentum of the system should remain conserved. Horizontal momentum of the system should remain conserved. Using conservation of momentum in horizontal direction, using conservation of momentum in horizontal direction, mu is equals to 2mv or v is equal to u by 2. So isme dekho kuch nahi aa raha, samajh to poocho mere se, otherwise we'll do next numeric.
Right. A ball, next to miracle, a ball moving with a speed of 9 meters per second. A ball moving with a speed of 9 meters per second strikes another identical ball such that after collision, the direction of each ball makes an angle of 30 degree with the original line of motion. The direction of each ball makes an angle of 30 degree with original line of motion. Find the speed of two balls after the collision. Find the speed of two balls after the collision. Is the collision elastic or inelastic? Is the collision elastic or inelastic? हमें ऐसे दिए ऐसे दो बॉल्स हैं इसका मास m इट्स मूविंग विद 9 meters per second ये जाके एक सेकेंड आइडेंटिकल बॉल मतलब इसका भी मास है जो रेस्ट पे इसको स्ट्राइक करती है कोलिजन के बाद हमें कहा कि दोनों बॉल्स 30 डिग्री के एंगल पे मूव करती हैं ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ से किधर चलेगी V1 से किधर आगे V2 से हमें V1 और V2 की वैल्यू बतानी है अब बताना है ये कोलिजन इलास्टिक होगी या नहीं होगी कैसे कर सकते हैं मगर आपको कंपोनेंट्स बनाने के लिए कहूं मोमेंटम के अगर मैं मोमेंटम के कंपोनेंट्स बनाने के लिए कहूं तो दिस इज ये कौन सा कंपोनेंट होगा mv1 cos 30 एंड दिस वुड बी mv2 cos 30 सो कंपोनेंट बने मेरे दिस इज mv1 sin 30 यहां तक समझ आ रहा है आप इस डायग्राम को देख के ये कंक्लूड कर सकते हो कि V1 और V2 इक्वल होंगे इस डायग्राम को देख के ये कंक्लूड कर सकते हो कि V1 और V2 इक्वल ही होंगे यस क्यों वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों इक्वल तो वर्टिकल डायरेक्शन में जरूरी है ये हमेशा इक्वल ही हो मैं ऐसा न्यूमेरिकल दे दूंगा जिसमें ये दोनों इक्वल नहीं होंगे ये कौन सा लॉजिक है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए क्यों होने चाहिए ये दोनों इक्वल ये दोनों क्यों इक्वल होने चाहिए उसका रीजन भी तो बताओ ना आइडेंटिकल मास यार आइडेंटिकल में भी अलग अलग हो सकता है अच्छा सा रीजन बताओ सोच के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो ठीक है पर ये दोनों इक्वल क्यों हैं
इनिशियली बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही थी कोलिजन से पहले? इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम कितना था? इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम कितना था? 9m 0. कोलिजन से पहले तो वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, वर्टिकल मोमेंटम है ही नहीं. इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल भी जीरो ही होना चाहिए. अब फाइनल वर्टिकल मोमेंटम अगर मैं आपको लिखने के लिए कहूं तो आप कैसे लिखते? अगर मैं इस डायग्राम के हिसाब से आपको बोलूं फाइनल वर्टिकल मोमेंटम तो कितना? इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम, इनिशियल मतलब बिफोर कोलिजन होता है तो ये जीरो है. फाइनल वर्टिकल मोमेंटम मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, यही है फाइनल वर्टिकल मोमेंटम. ये जे डायरेक्शन और ये माइनस जे. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन, mv1 sin 30 into j cap is equals to mv2 sin 30 into j cap. This should implies v1 is equals to v2. ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे तभी नेट मोमेंटम जीरो आएगा. ये तो हो गया एक पार्ट. अब मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई करूं. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना? 9m. इनिशियल मोमेंटम इज 9m. फाइनल कितना? मैं वेक्टर्स नहीं लगा रहा बिकॉज डायरेक्शन सेम ही है. फाइनल मोमेंटम कितना? 2m v1 sin cos 30 बिकॉज v1 v2 इक्वल है. M तो हो गया कैंसल. V1 कितना आ गया? ये 9 V1 is equals to, sorry, 9 is equals to, 9 is equals to 2 V1 cos 30 is 3 by 2. So V1 is 9 by root 3, or you can say it's 3 root 3. So, दोनों की वेलोसिटी होगी 3√3 m/s. अब ये तो होगी वेलोसिटी. अब मेरे को कैसे पता कि मोमेंटम कंजर्व है, सॉरी ये इलास्टिक है या इनइलास्टिक है? कैसे पता चलेगा ये इलास्टिक कोलिजन है या इनइलास्टिक है? इनी कॉल लो. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? Half. Nice. The 40.5 m. Final kinetic energy kitni hai? 1 की एनर्जी हाफ एम इंटू 3√3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2. समझ आ रहा है स्टेप? Yes. कितनी है ये वैल्यू? 27. ये थी 40.5 m. काइनेटिक एनर्जी कंजर्वड है या नहीं है? नहीं. काइनेटिक एनर्जी कंजर्वड नहीं है तो इसका मतलब दिस इज इनइलास्टिक. As kinetic energy is not conserved.
It is inelastic collision. Clear सबको? किसी को इस numerical में कुछ पूछना है तो पूछो. मैंने momentum conservation लगाया, एक बारी horizontal direction में, एक बारी vertical direction में. वर्टिकल डायरेक्शन में लगाया तो मेरे को पता चल गया वी वन वी टू इक्वल होंगे. फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा के वी वन वी टू की वैल्यू निकाल ली. देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाली, फाइनल निकाली. बिकॉज फाइनल कम आ रही है, दैट मींस देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी, देयरफॉर इट्स एन इनइलास्टिक कोलिजन. कोई डाउट इस न्यूमेरिकल में? सर इसका अल्टरनेट मेथड है, मतलब अगर मेरे से पूछा जाता है इलास्टिक इनइलास्टिक मैं देख के ही बता सकता था. आपको भी एक ट्रिक बता दो जिससे आपको पता चल जाएगा. बिकॉज ऐसे क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज में हम इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. बिकॉज मैं एंगल 30-30 दिया, मेरे को वहीं से पता चल रहा था कि इनइलास्टिक ही आना आंसर. अब ऐसा क्यों? अगर मेरे पास एक बॉल है जिसका मास एम है and it's moving with velocity u, it collides with another stationary ball and the collision is elastic. After collision, एक बॉल इधर चलेगी, एक बॉल इधर आ गई. इससे एक गई एट एन एंगल थीटा वन, इसमें मैं कह सकता हूं वी वन वी टू सेम होंगे. इसमें मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि वी वन और वी टू सेम ही होंगे. थीटा बस थीटा पे डिपेंड करेंगे. ओके अगर मैं इसमें अगर मैं बोल रहा हूं कि ये कोलिजन इलास्टिक है तो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या बनेगी? अगर ये इलास्टिक कोलिजन होती तो मैं दो इक्वेशन लिख सकता था. एक को मैं लिखता काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या होती? हाफ एम स्क्वायर. ये दो इक्वेशन सबको समझ आ रही है? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. यहां तक कोई भी डाउट? ठीक है. अब एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा वेक्टर्स का यूज करता हूं. यू डॉट यू क्या होगा? सॉल्व करके क्या आएगा? ये तो यू स्क्वायर हो गया. इधर सॉल्व करके क्या आएगा?
ठीक है ये स्टेप या नहीं ठीक? ये इक्वेशन भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये दोनों साइमल्टेनियसली कब ठीक हो सकती है? अगर इसकी वैल्यू क्या हो? जीरो। डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता? टू एंड थ्री इंप्लाइज दैट वी वन डॉट वी टू इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज ये ट्रिक की तरह यूज कर लेते हैं हम इस रिजल्ट को। जब भी इलास्टिक कोलिजन होगी दो आइडेंटिकल बॉडीज की, तो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर ही आएगी। और पिछले न्यूमेरिकल में एंगल कितना था दोनों की वेलोसिटी में? 60, बिकॉज दोनों का 30-30 था हॉरिजॉन्टल के साथ। तो मेरे को वहीं से पता चल गया था कि इन इलास्टिक कोलिजन है बिकॉज 60 का एंगल है। अगर इलास्टिक होती तो एंगल 90 का होना था। ये जो वैसे मैंने कराया दिस इज एन एनसीईआरटी सॉल्व न्यूमेरिकल, इसको लिख लो, हेडिंग लिख लो, फिर इसको नोट करना। प्रूव दैट, स्कूल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्रूव दैट इफ अ मूविंग बॉडी कोलाइड्स इलास्टिकली इन टू डायमेंशंस विद अनदर आइडेंटिकल बॉडी which is at rest, then show that after the collision, both the bodies will move perpendicular to each other. So aapko prove bhi yahi karna hota hai कि अगर इलास्टिक कोलिजन है 2D में तो कोलिजन के बाद वो बॉडीज परपेंडिकुलर मूव करेंगी। डायग्राम बना लो पहले, देन वी विल राइट। सिर्फ डायग्राम बना लो, फिर एक छोटा सा दो लाइन का कंसेप्ट लिखना, फिर नोट कर लेना। So you can write if the collision is elastic, both linear momentum as well as kinetic energy are conserved. If we assume that. After collision, V1 makes an angle theta 1 with horizontal, and V2 makes an angle theta 2 with horizontal. And both the bodies have same mass m. Then for elastic collision, फिर ये note कर दो। ये समझ में आ रहा है ना सबको कैसे किया है? सो देन फॉर इलास्टिक कोलिजन, सो यू कैन नोट दिस डाउन। सो इलास्टिक कोलिजन है और दोनों बॉडीज का सेम है मास, तो नीट में लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था कि अगर एक बॉडी का एंगल 30 है तो दूसरे का 60 ही बनेगा हमेशा horizontal ke saath, aur agar angle different honge to it's not the velocities will not be same. After the collision velocity can be different. Such collisions are again they come under oblique collision category.
डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? अगर मैं v1 डॉट v1 क्या होगा? v1 डॉट v1 स्क्वायर और v1 डॉट v2 होगा v1 डॉट v2. सिमिलरली v2 डॉट v2 इज v2 स्क्वायर और v2 डॉट v1 इज v2 डॉट v1. तो वो दो बार ही तो मतलब ब्रैकेट ओपन कर दो ना, मल्टीप्लाई कर दो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते थे. तो v1 डॉट v1 इज v1 स्क्वायर, v2 डॉट v2 इज v2 स्क्वायर. और दो बार ही हमारे पास टर्म आ रही है v1 डॉट v2. वेक्टर्स का यूज कर रहा हूं ये मैं, स्केलर्स की तरह नहीं होगा ये. नेक्स्ट राइट. A vehicle of mass 30 quintals. A vehicle of mass 30 quintals moving with a speed of 18 kilometer per hour collides with another vehicle of mass 90 quintals moving with a speed of 14.4 kilometer per hour in opposite direction. What will be the velocity of each after collision? What will be the velocity of each after collision? If collision is elastic. What will be the velocity of each after collision if the collision is elastic? Ek ka mass 30 quintals, ek ka mass 90 quintals. Humne collision ke baad velocity batani hai kya hogi. Will be the velocity after the collision. The second mass ki velocity repeat kar do. What will be the velocity of each after the collision if collision is elastic? फॉर्मूला लगाओ जो कल ड्राइव किया था v1 v2 का. एक का मास m ले लो ना, एक का 3m ले लो, वो 30 एंड 90 क्विंटल ना पुट करो, एक m एक 3m ले लो. एंड एक के वेलोसिटी अगर आप ले रहे हो 18, दूसरे की -14.4 लेना u2 को, बिकॉज इट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो अगर आप u1 को ले रहे हो 18, u2 को लेना -14.4.
कोई एक वेलोसिटी निकाल लो v1 या v2, वो आ गई तो सेकेंड भी ठीक ही आएगी। आंसर आया -30.6 किलोमीटर पर आवर। -30.6 किलोमीटर पर आवर ठीक है, बिल्कुल सेकेंड भी निकाल सकते हो, एक आ गई तो सेकेंड भी आ जाएगी। -30.6 कितने लोगों का आ गया ये आंसर? -30.6 आ गया वो सेकेंड कर लोगे। V2 will come out to be 1.8 km per hour. Yes, sir. एक -30.6 एक 1.8 km per hour. So next time करते हैं इसके आगे, इसको सॉल्व करके देख लेना जिनका हो जाएगा, बिकॉज अगर कुछ का आंसर ऐसे वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूला में जो कल V1 V2 का डिराइव किया था। कई बार ना स्कूल के न्यूमेरिकल्स में वो मेंशन नहीं करते कि कोलिजन इलास्टिक है या नहीं है, तो 99% केसेस में उसको इलास्टिक लेके ही सॉल्व कर देना, पूछ लेना अगर स्कूल में बता दें, अदरवाइज इवन इफ इट्स नॉट मेंशन यूज द इलास्टिक कोलिजन फॉर्मूला स्कूल के लिए।